तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल हर्ष योर सीएससी गाइडर पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके 12th के रिजल्ट के बारे में, और रिजल्ट में आपको 5 नंबर यहां पे एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं उसके बारे में। आपने काफी सारे बच्चों ने न्यूज पढ़ ली होगी, लेकिन जिसने न्यूज नहीं पढ़ी उसके लिए पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो कहीं भी आपको स्किप नहीं करनी है। और चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें रिजल्ट की, तो आप सबको पता होगा कि यार रिजल्ट आपका 12th क्लास का रिजल्ट आज शाम तक आने वाला है। उसके अलावा 10th की अगर हम बात करें तो 10th का जो रिजल्ट है वो 2 या 3 दिन के बाद आएगा। 12th का रिजल्ट आज आपका आ जाएगा शाम तक। अगर कोई भी टेक्निकल इश्यू अगर नहीं आता साइट में तो शाम को आपको रिजल्ट आपका देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे 5 नंबर जो एडिशनल जो आपको एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं उनकी अगर हम बात करें, देखिए एक न्यूज आई है, न्यूज हम देख लेते हैं एक बार, जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ सिलेबस से बाहर पूछे प्रश्न, 65,000 विद्यार्थियों को मिलेंगे 5 अतिरिक्त अंक, यहाँ पे आपको नंबर मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, तो देखिए 12वीं के रसायन विज्ञान के पेपर में बहुविकल्पीय व सब्जेक्टिव प्रश्न सिलेबस से बाहर थे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस से बाहर थे, उसकी वजह से ही यहाँ पे आपको जो है 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। अब अगर बात करें कि यहाँ पे किसको मिलने वाले हैं, तो पूरा डिटेल में न्यूज को एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बुधवार को 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी करेगा। रसायन विज्ञान के पेपर में 2 बहुविकल्पीय मतलब जिन्हें हम ऑप्शनल बोलते हैं और 1 सब्जेक्टिव प्रश्न सिलेबस से बाहर आने की वजह से परीक्षार्थियों को 5 अंक सीधे मिलेंगे। मतलब यहाँ पे आपको 5 नंबर जो है एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे पेपर की कैलकुलेशन कैसे होगी, तो देखिए इसमें 65,000 विद्यार्थियों को फायदा होगा। बोर्ड अब 65 अंक का परीक्षा मानकर परिणाम जारी करेगा। मतलब जो आपका एग्जाम था वो आपका 70 नंबर का था, लेकिन अब जो आपका एग्जाम उसमें से 5 नंबर हटा दिए गए हैं, वो आपको अपने आप मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो आपका पेपर जो है चेक होगा वो होगा 65 के हिसाब से। अब यहाँ पे 65 नंबर के हिसाब से आपका पेपर चेक होगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं, 5 अंक आपको सीधे जुड़ने से परीक्षा के 70 अंक हो जाएंगे। 30 अंक अतिरिक्त मूल्यांकन के मिलेंगे, जो प्रैक्टिकल वगैरह के आपके 30 नंबर होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा देखिए अगर डिटेल में बात करें तो कोरोना संक्रमण के कारण पिछले वर्ष परीक्षाएं सुचारू रूप से नहीं हो पाई। बोर्ड ने मार्च अप्रैल में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं करवाई थी। कोरोना संक्रमण के चलते पढ़ाई बाधित रहने के कारण इस बार परीक्षाएं बहुविकल्पीय और सब्जेक्टिव रूप से हुई थी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अलग अलग समय दिया गया था। 12वीं की परीक्षाओं में आए प्रश्नों को लेकर सवाल उठे, परीक्षार्थियों ने प्रश्न और वैकल्पिक उत्तरों पर आपत्ति जताई। इस पर बोर्ड प्रशासन ने शिक्षा के पैनल से जांच करवाई। मतलब यहाँ पे जो अपने क्वेश्चन ऑब्जेक्शन दिए होंगे कि ये क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है, उसके बाद बोर्ड ने इसकी चेकिंग कराई थी, जांच करवाई थी। उसके बाद पाया कि भाई रसायन विज्ञान की विषय की परीक्षा में 2 ऑब्जेक्टिव और 1 सब्जेक्टिव प्रश्न सिलेबस से बाहर है। ये प्रश्न बोर्ड की ओर से कम किए गए 30% विषय में थे। मतलब जो बोर्ड ने आपका 30% सिलेबस हटा दिया था, ये जो क्वेश्चन थे ये उसी में से आए थे। इस वजह से आपके जो 5 नंबर है वो आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न 1-1 नंबर और सब्जेक्टिव प्रश्न 3 नंबर का था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा के चेयरमैन प्रोफेसर जगबीर सिंह ने बताया कि अब 3 प्रश्नों के बदले परीक्षार्थियों को 5 अंक देने का निर्णय लिया गया है। सभी परीक्षार्थियों को ये 5 अंक सीधे जुड़ेंगे और बोर्ड 65 अंक की परीक्षा मानकर परिणाम जारी करेगा। बाकी जिन भी परीक्षार्थियों ने अन्य प्रश्नों पर सवाल उठाए थे उनकी आपत्तियों को बोर्ड व शिक्षक के पैनल पर खारिज कर दिया। अगर आप डिटेल में थोड़ा और पढ़े इसको, तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट के बारे में एक डिटेल दी गई है। 12वीं का परिणाम आज, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम जारी करने की तैयारी कर ली है। 12वीं का परिणाम 15 जून को घोषित किया जाएगा। बोर्ड की ओर से 3 फर्मों में परिणाम की जाँच कराई गई। डाटा मिसमैच होने के कारण मंगलवार को परिणाम जारी करने को लेकर पेज फंसा रहा, मतलब जो साइट या ग्लिच हम बोल सकते हैं, तो वो हो गया था। इस वजह से आपका रिजल्ट जो है वो कल नहीं आ पाया। इस वजह से रिजल्ट अब बुधवार को परिणाम जारी किया जाएगा। इन 2-3 दिन के बाद, मतलब 2 या 3 दिन के बाद आपका 10th का परिणाम जो है 10वीं कक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। संभवतः 18 जून को 10वीं का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो ये भाई पूरी डिटेल थी आपकी। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे 5 नंबर किसको मिलने वाले हैं और क्यों मिलने वाले हैं। और अगर हम रिजल्ट की बात करें तो वो भी मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट आपका आज शाम तक आ जाएगा अगर साइट में कोई ग्लिच नहीं हुआ तो रिजल्ट का आपका आज शाम को आ सकता है। दोस्तों जैसे रिजल्ट आता है तो उसके लिए भी प्रॉपर वीडियो बना दी जाएगी कि रिजल्ट आप कैसे चेक कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको लिंक बता देता हूँ कि आपको कहाँ से चेक करना है। देखिए आप क्रोम ओपन करके जैसे ही HBSC सर्च करोगे
तो HBSC सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पे आपको पहले ही लिंक पर क्लिक कर देना है। पहले लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास तीन ऑप्शन है, रिजल्ट है, डीएड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और मेन वेबसाइट। आपको रिजल्ट पर क्लिक करना है। रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए अभी यहाँ पे रिजल्ट आपका नहीं आया है, तो नोट डिक्लेयर यट, अभी तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। जैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो यहाँ पे आपका लिंक ओपन हो जाएगा 10th का और 12th का। जैसे 12th का जैसे मान लीजिए आप शाम को रिजल्ट आता है तो उसका लिंक आपको शो कर देगा, वहां पे आप डायरेक्टली क्लिक करोगे तो वहां से आपका रोल नंबर पूछेगा, रोल नंबर जैसे सबमिट करोगे तो आपका रिजल्ट जो है वो वहां पे शो कर देगा। अगर आपको रिजल्ट में कोई इशू आता है कि मान लीजिए आपको लगता है कि मेरा रिजल्ट गलत है, तो आप बोर्ड में जाके इसके लिए कंप्लेन कर सकते हो। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी काफी सारी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए चैनल पर आने वाली हैं और आती रहेंगी। कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड सारी वीडियो चैनल पर आने वाली है दोस्तों, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।